अग्निपथ स्कीम बनाई है साडे नौजवान वास्ते। सरासर तक है साडे नौजवानां नाल। चार साल नौकरी देंगे केवल एक, मैनू लगता है इलेक्शन स्टंट। चार साल अगर तुसी नौकरी देंगे और उस बाद उन्हें कट देंगे, ना तो उन्हें कोई बेनीफिट मिलेगा, ना उन्हें कोई पेंशन मिलेगी, ना ग्रेजुटी मिलेगी। मैं समझना कि सरकार नू ये आपका फैसला बदल लेना चाहिए कि, और अगर सरकार ने ये रोल बैक ना किया तो असी इरे ते लड़ाई लड़ांगे। भाजपाइयां नू खास करके फुल दे निशान वालियां नू ये दुश्मन ने, इन्होंने खेती कानून लेके आंदे फिर वापस लेके आए, इन्होंने रोल बैक किया, लेकिन 1000 साडा किसान मर। तानाशाही जिहड़ा रवैया है उहदे नाल फैसला करदे है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जिहड़ी अग्निपथ स्कीम बनाई है साडे नौजवान वास्ते, मैं समझदा कि ये बहुत सरासर तक है साडे नौजवानां नाल। और इस तरह दीआं स्कीमां दे नाल, स्कीम्स दे नाल साडी फौज नूं और साडी सेना नूं किसे भी प्रकार दा बल नहीं मिलन वाला। और चार साल नौकरी देंगे केवल एक, मैनू लगता है इलेक्शन स्टंट खेड़ा जा रहा, जो वादे किए सन मोदी सरकार ने कि मैं 1-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगा, क्योंकि चुनाव आ गया 2024 का। सो ये जानबूझ के एक उस तहत एक स्कीम ये बनाई गई अग्निपथ, जो मेरी समझ काम कर दी है। इलेक्शन तो पहला ये कहेंगे कि असी इन्ने लोगों को रोजगार दिता और इन्ने लोगों को नौकरियां दे दी गई, पर चार साल, क्योंकि साल तो आर्मी की ट्रेनिंग च लंघ जाता है, और चार साल अगर तुसी नौकरी दोगे और उस बाद उन्हें कट दोगे, ना तो उन्हें कोई बेनीफिट मिलेगा, ना उन्हें कोई पेंशन मिलेगी, ना ग्रेजुटी मिलेगी, तो फिर यहोजी नौकरी का फायदा की? इस तो बेहतर है वह किसी आपका कोई होर काम धंधा शुरू करे, चाहे वह प्राइवेट हो, कि चार साल तुसी आर्मी चलवा लोगे फिर उन्होंने घर भेज दोगे। सो मकसद भी किवें पूरा करेंगे, क्योंकि 6 महीने साल तो और ट्रेनिंग च लंघ जाएगा। सो मैं समझना कि सरकार नू ये आपका फैसला बदल लेना चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर दे विच फैसला आउंदिया सारी नौजवानों ने अंदोलन किए और इसकी निंदा की, और हर व्यक्ति ने जिस तरह लैंड ऑर्डिनेंस लेके आए से खेती कानून, मैनू लगता खेती कानून का भी हजे जदों इन्होंने कानून पारित किया बनाया उरा जिहड़ा विरोध सी उन्हूं हुंदे हुंदे समा लग्या, शुरुआत हुंदे, लेकिन लोगों दे विच जिस प्रकार का रोस मैं कल वेख्या, मैनू लगता कि बहुत भारी रोस नौजवानों च वेखण नूं मिलिया इस स्कीम दे नाल। सरकार नूं रोल बैक करना चाहिए इमीडिएटली, और सानू भी ये जिहड़ी आने वाली विधानसभा उहदे दे विच मैं सरकार नूं बेनती करांगा इहदे ते असीं रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली सरकार नूं भेजिए कि यह सरासर धक्का ते ज़ास्ती है, और नाल ही सानू भी अंदोलन शुरू करने चाहिए है। मैं खुद कल ऐलान किया कि असीं इलेक्शन जिहड़ा चल रहा है 21 तरीक नूं कैंपेन इहदी जिहड़ी है वो बंद हो जानी है, और अगर सरकार ने ये रोल बैक ना किया तो असी इरे ते लड़ाई लड़ांगे, क्योंकि ये देश दे नौजवानों नाल जुड़िया मुद्दा है और हर परिवार नाल जुड़िया मुद्दा। एक फौज ही रह गया सी जिथे मेरा ख्याल लोगों को आसरा सीगा नौकरी का, और खास करके पंजाबियों ने तो बहुत शहादतां दित्तियां, पंजाबी बहुत मोहरी होके देश की लड़ाई में उन्होंने आपदे वड्डे योगदान पाए। सो ये नहीं होन देंगे, और असी बिल्कुल एरी डट के सानू सब लोगों नू पंजाबियों नू पार्टीबाजी तो उपर उठ के सानू लड़ाई लड़नी चाहिए है, और भाजपाइयां नू खास करके फुल दे निशान वालियां नू ये दुश्मन ने, इन्होंने खेती कानून लैके आंदे फिर वापस लैके आए, इन्होंने रोल बैक किया, लेकिन 1000 साडा किसान मरिया, 1000 दे लगभग किसान ना दी शहीद होए,
और 1.25 साल सानू बॉर्डर ते बहना पिया और किस तरह रातां गुजारियां ही किसान भरा ही जान सकते ने। सो आ होण वाला जिहड़ा कानून लैके आए ने इह भी सरासर साडे नाल धक्का है। आओ देश दे अंदर इस भाजपा नू नकारिए और जिथे जिथे भी इहनां दे लोग चाहे वह चुनाव लड़ रहे ने चाहे वह सरकारां च ने उहनां दा विरोध करिए बायकॉट करिए तां जो इस सरकार नू थोड़ा अंदाजा हो सके कि स्कीम बनाउण तों पहलां किसे नाल गल करनी चाहीदी सी, किसे एक्स आर्मी दे लोगां दे नाल करनी चाहीदी सी, कुछ एक्स जनरल जिहड़े रहे आ साडे उहनां नाल गल करनी चाहीदी सी, साडे फौजी जवानां नाल गल करनी चाहीदी सी। इह हमेशा अपनी मर्जी नाल तानाशाही जिहड़ा रवैया है उहदे नाल इह फैसला करदे है, लेकिन असीं इहनां दा फैसला मन्नांगे नहीं और इह आवाज़ पंजाब तों उठनी चाहीदी है। और मैं तमाम लोगों नूं बेनती करांगा कि तकड़े होके असीं सरकार नाल लड़ाई लड़नी है और इहनूं रोल बैक करवाउणा है। फिर मिलते हैं, थैंक यू, सत श्री अकाल।